हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भाजपा प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा नेताओं ने आपदा प्रभावितों के बीच जाकर लोगों को दिलासा दिया और प्राथमिक सहायता भी उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा पर राजनीति नहीं करना चाहती, मगर प्रदेश सरकार तेजी से लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल आपदा में हुए नुकसान के बाद अब तक लोगों को मदद नहीं मिली है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछली आपदा से कुछ नहीं सीखा। विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, लेकिन आपदा को लेकर सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों पर तेजी से मदद करे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों प्रदेश में आई आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। निश्चित रूप से इस आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारी सूचना के मुताबिक अभी तक जहां 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी तक 39 लोग जो हैं वो लापता हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 65 पीने के पानी की स्कीमें, 116 ट्रांसफार्मर और 85 सड़कें ये क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 60 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 35 जो है वो पार्शियली डैमेज हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी और 5 पुल भी इस आपदा के कारण, बादल फटने की घटनाओं के कारण टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में जहां प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, वहीं प्रदेश की सरकार जो इन प्रभावितों के हित में काम करेगी उसके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। जिस दिन से आपदा आई है सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सामाजिक भूमिका इसमें अदा कर रही है। हमारे नेताओं ने, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हों, चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर हों, मौके पर जाकर प्रभावितों से मिलकर ढांढस बंधाने का काम, सांत्वना देने का काम किया है और कुछ राहत सामग्री वितरित करके भी उनकी सहायता करने की कोशिश की है।